तो मुझे पता हो रही है, धूप हो रही है आज है ना, जेक के डोज लगना चाहिए, आज 16 तारीख है ना, और ये भूल गया। सो गाइस आज भूल गया मैं, सेकंड डोज लगने वाला था जेक के, तो मैं भूल गया, तो कल जाएंगे हॉस्पिटल। सो अभी तो जाएंगे ना, तो इसको बांध दिया, ये बहुत परेशान कर रहा था गाइस, बहुत परेशान कर रहा था। क्या इसको यहाँ पे बांध दिया मैंने, क्या हप नहीं खोलूंगा साले को मैं, ठीक है ना गाइस। है ना नाइट का टाइम हो रहा है, क्योंकि गैस है ना, देखो गैस की बात ये है कि है ना, सोनिया को मैंने आज यहीं पे रखा है खाना ना बनाने के लिए, क्योंकि मेरे से बन नहीं रहा खाना। और रही बात की ये है कि प्रॉब्लम ये हुई कि गैस तो लेके आ गया भर के, बट गैस के अंदर Hey guys, welcome to my new vlog. So, अभी ये इंट्रो दे लेते हैं न्यू व्लॉग का, क्योंकि अभी मैं मार्केट जाऊंगा, राजवीर आने वाला है, तो गैस की टंकी, गैस सिलेंडर भर खाली हो गया, भरवा के लेके आना है। और सोनिया वैसे न्यू ड्रेस में अच्छी लग रही है, अच्छी लग रहा बाबू, बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसी ड्रेस मंगवाऊंगा, मेरी मेरी चॉइस है, मेरी चॉइस का कपड़े पहन रही है अभी सोनिया, पता है आप लोगों को, अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। अभी यही चॉइस कर रहा है मेरे लिए, नहीं ये है नहीं तो ये पहननी थी, अभी तो एक ड्रेस और, एक ड्रेस और अभी तो, बाकी मिलते बाद में, ठीक है ना। फोन आया ही नहीं, और पहले बोला गेट खोलो गेट खोलो, और मैं लेकर आया हूँ गैस सिलेंडर, लेके जा रहा हूँ गैस को भरवा के लेके आना, सोनिया वोनिया सब भूखे मर रहे हैं, तो कुछ खाएंगे यार जल्दी से, अच्छा सा बना के, वो भी खुश हो गई बर्थडे वाली ड्रेस देख के। बाकी राजवीर आ गया, नहीं खोल रहा मैं तो, खोल दे यार, चला जा वापस खोल दे। देखो मैं क्या है, पता क्या लिखा है, केरी का अचार, केरी का अचार, तो सोनिया का फेवरेट केरी का अचार है, और गैस सिलेंडर यहाँ पर रख दी, इसको देते हैं सोनिया को, सोनिया खुश होगी केरी का अचार, और फिर हम जा रहे हैं पुष्कर, पुष्कर जाएंगे फिर। सोनिया ले, गैस देखना भूखी आएगी, ओ सोनिया देख क्या लेकर इधर, क्या लेकर आया देख तेरे लिए, जल्दी आ पक्के, इधर आ इधर देखो, मुक्तों की तरह पक्के मुक्तों, अरे केरी का अचार, केरी का चार तरफ डाल लेना, थैंक यू नहीं बोलेगी के राजवीर को, थैंक यू भैया, मतलब कैसे थैंक यू से बोलती मेरे को, इधर दिखाओ भाई, जी तो बैंगलोर चला रहे थे, मैंने सोचा इनके पीछे कुत्ता पड़ गया। सुना ठीक है, बाय बाय, मैं जा रही हूँ तेरे कहा मिलने के लिए, बात तो मिलते अभी करके। ये भाई भीलवाड़ा सा है, इनके दोस्त हो यार, अच्छा अभी वीडियो देखते हैं, चलो चलो अभी चलते हैं पुष्कर साथ में, जा रहे हैं छोटे ध्यान रखना। सो गाइस हमने टंकी दे दी, और वीर भैया को बहुत टेंशन हो रही है, मतलब टंकी चेंज ना कर दे, ये सब क्या है टंकी के अंदर देख पूछे, छोटी मोटी पार्टी। तो गाइस सोनिया के लिए मुझे कुछ लेना पड़ेगा खाने के लिए, क्योंकि गैस शाम को ही मिलेगा मुझे, इसलिए अभी लेते हैं कुछ शॉप से अच्छा सा उसके खाने के लिए। सो गाइस सोनिया के लिए पैक करवा लिया मैंने। सो गाइस एक और पार्सल आ गया है ड्रेस का, जो मंगवाई थी, देखते हैं अगर जो ड्रेस मुझे नहीं चाहिए थी ना, अगर वो आई ना तो वापस रिटर्न भेज दूंगा अभी से, ठीक है ना, लूंगा नहीं। सो गाइस ये पार्सल वाले भैया आ गए, अगर वो वाला पार्सल हुआ तो रिटर्न भेज दूंगा वापस। गाइस ऑर्डर मैंने वापस रिटर्न कर दिया, क्योंकि वो ड्रेस मुझे पसंद नहीं थी, सोनिया के लिए नई ड्रेस ऑर्डर करूंगा। गाइस है ना नाइट का टाइम हो रहा है, क्योंकि गैस है ना, देखो गैस की बात ये है कि है ना, सोनिया को मैंने आज यहीं पे रखा है खाना ना बनाने के लिए, क्योंकि मेरे से बन नहीं रहा खाना। और रही बात की ये है कि प्रॉब्लम ये हुई कि गैस तो लेके आ गया भर के, बट गैस के अंदर, और रोटियाँ बन रही है मेरे लिए ये इधर, और इधर सोनिया, और इधर ये आपका जे एक्सपायर हो, इसको बांध दिया, ये बहुत परेशान कर रहा था गाइस, बहुत परेशान कर रहा था। क्या इसको यहाँ पे बांध दिया मैंने, क्या हप नहीं खोलूंगा साले को मैं, ठीक है ना। ना आप लोग भी है ना खाना ना खा लो, मेरे खाना बन रहा है, खाना ना खा के और फिर सोऊंगा मैं, तो गुड नाइट होऊंगा, बाकी मिलेंगे सुबह व्लॉग में, ठीक है ना, बाय बोल दो सबको, बाय गुड नाइट, बाय गुड नाइट गाइस, खाना खा लेना आप लोग अच्छे से, और जय श्री शाम। इसको खाना खिला रही है, बट ये बहुत गुस्सा हो गया, इसको मैंने बांध दिया आज यहीं पे, ये इसका दही है, इसके अंदर दही है, इसके अंदर सोनिया इसको खाना खिला रही है, खा ले रईस खा ले, हाथ में खिला रही है ना, बता ना दही चाट रहा है, दही दही में चटाई, रोटी भी खिला, क्या मतलब नहीं कह रही, रोटी भी खिलाए। सो गाइस गुड नाइट, कल सुबह मिलते हैं। सोनिया ने ये बनाया मेरे लिए, इसके अंदर केरी है और इसके अंदर रोटी है, और ये मेरे साथ बैठी है, हम यहाँ पे बैठ के खा रहे हैं आज।
Hey guys, good morning. So finally, आज का दिन अच्छा होना चाहिए मेरा. मैं उठ गया हूँ और मुझे ब्रश करनी है. अभी 7:10 हो रही है, तो मैं जाके कोलगेट करके नहा के और फिर बाबा जी पूजा करके फिर जिम निकलूँगा. और वैसे सोनिया भी सो रही है गाइस. मैं सोनिया को छोड़ के जा रहा हूँ अभी यहीं पे. और मैं आऊँगा 10:30 के समथिंग. ये सोनिया, ये जैक्स, ये दोनों सो रहे हैं. आप गुड मॉर्निंग तो बोल दे. इधर गुड मॉर्निंग बोल. गुड मॉर्निंग. सो गाइस, सोनिया उठ चुकी है क्योंकि मैंने उठाया इसको. मैंने बोला मैं जिम जाके आ रहा हूँ, तो कुछ काम वाम कर लेना. और तुम्हारा भाई इसलिए जाके गेट की चाबियाँ देनी है उसको, जिम में नहीं रख सकता है यार मैं. आज बाबू मेरे को पता नहीं कौन याद कर रहा है सुबह से. हाँ, कौन याद कर रहा है मेरे को? इतनी सारी सेटिंग है, वही तो याद कर रही हूँ. अरे सेटिंग जरूरी है, सेटिंग याद करेगी? पता नहीं देख हिचकी आ रही है बार बार. मम्मी याद करेगी. हाँ, मम्मी गई हुई है घूमना, ब्यास ब्यास जो भी होता है वो, है ना. सो गाइस, मैं सोनिया को छोड़ के जा रहा हूँ. चला जाऊँ बाबू? जिम जा कर आ रहा हूँ, ठीक है, थोड़ी देर में आ जाऊँगा. तो छोड़ दे भाजी, तुझसे छोड़ दे यार, तुझसे भी वाली चाबी ना बाबू. छोटी वाली चाबी खोली बस. तो मैं बाहर निकलते ये भी आ गया और सोनिया भी देख रही है उधर से. चला जाए अंदर. सो गाइस, ब्लूटूथ तो लगा ली लेकिन काम नहीं कर रही है. पता नहीं ऑन नहीं हो रही, कनेक्ट नहीं हो रही है फोन से. आज पता नहीं कौन याद कर रहा मुझे. मैं आधे रास्ते में आ गया, जिम पहुँचने वाला हूँ थोड़ी देर में. सो गाइस, फाइनली कनेक्ट हो गया ब्लूटूथ और अभी मैं आधे रास्ते में पहुँच गया. सो गाइस, देखो लोग जा रहे हैं पैदल. सो गाइस, पहुंचने वाला हूँ. पता नहीं वर्कआउट लगा पाऊंगा नहीं लगा पाऊंगा, क्योंकि हिचकी आ रही है बार बार मुझे. पता नहीं कौन याद करता. सो गाइस, मैं जिम पहुंच चुका हूँ और मिलते हैं वर्कआउट के बाद में. अब जा रहा हूँ घर पे. गाइस, ये है मेरे जिम ट्रेनर और यहीं पे इनकी जिम पे आता हूँ मैं. भैया इनका गुल्लू नाम है वैसे, जिनका आपका नाम क्या है? द पावर हाउस जिम. हमारे घर फाइनली तुम्हारा भाई वर्कआउट करके फ्री हो गया. अब मुझे सोनिया का फ़ोन आया था कि दही लेके आना है, बॉडी बन जाएगी तुम्हारे भाई की. तुम्हारे भाई का इंस्टाग्राम अकाउंट देखा होगा आप लोगों ने, वीर सम्राट वाला, जिसपे बहुत सारी मैंने पुरानी वीडियोस वगैरह डाल रखी है. मेरे लिए दूध और सोनिया के लिए दही और नमकीन बाकी यार. अभी और गाइस, वीडियो में फेवरेट पार्ट कौन सा होता है आपका, कमेंट करके बताया करो यार. आप बताते ही नहीं हो मुझे कि भैया फेवरेट पार्ट ये वाला लगा, मुझे बताया करो प्लीज. सो गाइस, है ना, कल मैं एक मतलब सोनिया न्यूज़ देख रही थी यूट्यूब चैनल पर किसी के पे, तो एक वीडियो देखी जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी. एक लड़की थी जिसने काफ़ी अच्छी ड्रेस पहन रखी थी, ठीक है ना, और मतलब उसने पता नहीं कुछ लिया था, तो उसका एक रुपया उसको शॉप पर ही भूल के आ गई. तो वो गाड़ी में जैसे ही बैठी और उसको याद आया यार मेरा 1 रुपया ऐसे कैसे छोड़ दूँ. फिर वो सोचने लगी यार वो लड़का क्या सोचेगा, साली इतने अच्छे कपड़े पहन के इतनी महंगी गाड़ी में आई और 1 रुपया लेने के लिए वापस आ गई. पर फिर भी उसने ये सब कुछ भूल के और वो 1 रुपया लेके आई. सच में यार अच्छा लगा मुझे. एक एक रुपया नहीं छोड़ना चाहिए गाइस, इंपॉर्टेंट है अपने लिए. वो 1 रुपया पता नहीं कब काम में आ जाता है. एक एक रुपया मत छोड़ा करो. तो वैसे अपने को लोग पानी भर रहे बहुत सारे. सो गाइस, बातें करते करते पता नहीं कब पहुंच गए यहाँ पे फार्म हाउस में और मैं आ गया हूँ यहाँ पे. बाकी मिलते हैं सोनिया के साथ में अभी. टाइम पे गेट खोल देगा मुर्गी. सो गाइस, गेट टाइम पे नहीं खोलती है, भग गई गेट खोल के. गेट खोल के ऐसे भागी जैसे कि वो कुत्ती को रोटी नाक रहे. सो गाइस, मैं खाना बना रही हूँ कि आई थिंक इसके तेज भागी होगी शायद. देखते अभी खाना वाना बनाती होगी क्योंकि गैस है नहीं. गैस है लेकिन गैस का ऊपर वाला वाल खराब हो गया शायद, आई थिंक. तो वो सही करवाने जाएंगे अभी, राजवीर आएगा तब. तब तक तो सोनिया ओए होए रोटी बना दी. देखो मैंने इसको बोला खाना वाना बना देना, तो मेरे लिए देखो खाना वाना बना दिया यार. वाह यार मेरी जान, आज तो जल्दी खाना मिल गया मेरे को.
तभी मैं सोचू यार कुत्ते की तरह इतनी जोर जोर से कैसे भागी, फिर पता चला कि यार इसकी रोटी जल जाती मेरी। इधर देखिए इट्स माय लाइफ, रोटी जल जाती मेरी। हां सो गाइस सोनिया मेरे लिए खाना बना रही है और मैं नहाकर आ जाता हूँ, जब तक मेरे को कचौरी लग रहा है इसलिए मैं नहा के आता हूँ। और सोनिया बाबू फिर खाना ना खाऊंगा, ये आपके लिए नमकीन, आपके लिए दूध दही सब लेके आ गया, ठीक है ना। सो गाइस मैं फिर से नहा के आ जाता हूँ क्योंकि जिम में जाते हैं तो पसीना हो जाता बहुत सारा, तो और पता नहीं कौन कौन वहाँ पे सीटों पर बैठते हैं तो वो उनकी गंदगी हो जाती है, इसलिए नहा के आ जाते हैं जाके, फिर खाना ना खाएंगे। और जब तक आप सोनिया से बातें करो। सोनिया खाना खा रही है। It's my life. So guys, मैं तो नहा धो के हो चुकी हूँ तैयार और वो कब से नहा धो के सो रहा है, उसको काफ़ी टाइम हो गया सोते हुए को, और मुझे बोला है मेरे लिए शेक बना दे, तो मैं उसके लिए ये बना रही हूँ। जिम वाले लड़कों को तो ज़रूरत है केलों के शेक की, तो केले का शेक पिएगा फिर वापस सो जाएगा। So guys, इसका शेक तैयार हो चुका है बन के, अब पिएगा ये इसको। अब उठाती हूँ उसको जाके और उसको केले का शेक पिलाती हूँ। तो कैसे पड़ा है खुद कुत्ते के साथ में? नहीं मैंने ले रही। Hey guys, धूप हो रही है। धूप तो मुझे ही पता हो रही है, धूप हो रही है। आज है ना जेक के डोज लगना चाहिए, आज 16 तारीख है ना, और ये भूल गया। So guys, आज भूल गया, मैं सेकंड डोज लगने वाला था जेक के, तो मैं भूल गया, तो कल जाएंगे हॉस्पिटल। सो अभी तो जाएंगे ना तो हॉस्पिटल बंद हो जाएगा, बंद हो गया होगा तो कल जाएंगे और आज के व्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। और आई होप कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा और आपका फेवरेट पार्ट कौन सा है कमेंट करके बताना। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय, लव यू, जय श्री राम।